गाइस ये देखो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और यहाँ पे कितनी ज्यादा धुंध हुई हुई है। भाई साहब वन डिश नाश्ता आ गया, उधर रखो दो वन डिश नाश्ता आ गया, पराठे हैं, साग है और साथ में मसर है। और गाइस बहुत ज्यादा जो है ना यूनिवर्सिटी में धुंध हो चुकी हुई है ये सामने, और यहाँ पे साद और मुश्तबा अपनी लिफंट्री कर रहे हैं और आपकी भाभी सामने खड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ मुफादिशन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला के रहमत करम फजल के साथ हूँ। भाई आज का जो है व्लॉग शुरू किया जाता है धुंध के अंदर, और सुबह के टाइम बड़ी अच्छी खासी धुंध थी। वैसे मुश्तबा ने सुबह 8 बजे जाना था मगर अनफॉर्चुनेटली फॉग की वजह से वो जा नहीं सका था, और फिर उसका भी मूड नहीं था। अभी बस है ब्लैक कॉफ़ी का ग्लास है, 10:30 बज चुके हैं, जल्दी जाना है, थोड़ा बहुत पेट पूजा करनी है, यूनिवर्सिटी जाके फिर नाश्ता वाश्ता करना है, बाहर से पराठा सराठा खाएंगे, मगर अभी जो है ना ब्लैक कॉफ़ी चढ़ाएंगे। अल्लाह मसीह चीनी तो नहीं डाली आपने, बस इधर आपने फिर चले वो ले ना कॉफ़ी तो वो डाल लेंगे, तो अभी बस जो है निकलेंगे हम लोग यहाँ से, और हमारे कॉफ़ी के ग्लास मग तैयार हो चुके हैं। क्या कह रहे हो यार, तो भाई भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, सुबह तो जा नहीं सके थे, भाई सलाम कर लिया करो, मुंह से बोलते हैं सलाम, वालेकुम सलाम, किधर है, चलो मामा ढूंढ देती हैं। तो भाई उसमें ना जाके कॉफ़ी डालो, वो गर्म पानी उधर ही पड़ा हो, कॉफ़ी सब कुछ वहाँ पे, चमचा चमचा सब कुछ है, मेरे में भी डाल देना। तो कॉफ़ी वगैरह का सीन है यहाँ पर, पता नहीं अम्मा ने पता नहीं क्या फ्रीज़ किया हुआ था, वो निकला पड़ा हुआ है, किचन ज़रा ख़राब हुआ हुआ है, अभी जो है साफ़ होगा। पापा भी अभी तक सो रहे हैं, अमूमन तो उठ जाते हैं, मगर तब ठंड हो गई है ना ज़रा, मेरे से भी सुबह उठा नहीं जा रहा था, तो बस अभी यही सिनेरियो, यूनिवर्सिटी चलते हैं, रास्ते से साथ को पिक करते हैं और 1/2 चमचा, और फिर जो है ना आलू को से मिलते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे कॉफ़ी हमारे डाल रहे हैं, ये देखो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध हुई हुई है। ठीक है, ये तो मुझे जो है ना कल गुजरांवाला की परसों की याद करा देती है कि इतनी ज़्यादा जो है ना धुंध हुई हुई है जिसकी कोई हद नहीं। भाई साहब वन डिश नाश्ता आ गया, उधर रखो दो वन डिश नाश्ता आ गया, पराठे हैं, साग है और साथ में मसर है और साथ में ऑमलेट है। अभी पूरा ग्रुप जो है ना बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, और फिर जो है ना आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। तरी की बजाय ना साग डालना, साग तरियाँ नहीं डालनी, मेरे लिए भी डाल लो और डालो, हाँ तो और चलो हाँ सेट, ये भी खत्म हो जाना है। ओए इसको खिला साग, इस खिला इसको इस दफा साग, ओए टेस्ट तो करके देख, एक तो मुझे नहीं समझ आती, उन्हें आज तक चखा हुआ ही नहीं है, मुझे पता है ना मैं तो खाता हूँ साग, इसमें मुझे लग रहा है पालक भी मिक्स हुई हुई है, पालक है धनिया नजर आ रहा है ऊपर से। तो गाइस अभी जो है मेरी क्लास जो है वो कैंसिल हो गई, मैम पता नहीं है धुंध की वजह से नहीं आई है क्या हुआ है, तो 3 से 4 बजे जो है ना मैं फ्री था, बाबा जो है यहीं पे आए हुए थे, उन्होंने गाड़ियों की ना अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवानी थी, बैलेंसिंग करवानी थी, और मैंने भी करवानी थी, मगर मैंने वीकेंड पे करवानी थी, तो मुझे कहते हैं कि यार मैं वो गाड़ी जो है ना तुम मेरे से ले जाओ आके, और मैं इसकी भी अलाइनमेंट वगैरह जो है ना वो करवा लेता हूँ, अव्वल तो जो है वैसे होती रहती है, और मैंने वैसे भी सुना था कि जो है ना आपकी अलाइनमेंट या बैलेंसिंग वगैरह मोस्टली अलाइनमेंट जो होती है ना वो आपको करवा लेनी चाहिए 5-7 हज़ार 8 हज़ार किलोमीटर के बाद, अगर वो ख़राब हुई भी है, क्योंकि माशाल्लाह से खड्डे इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पे कि वो तो ख़राब होती होती है, तो उसके लिए जो है ना ये गाड़ी बाबा को देंगे, और इसको साफ़ भी जो है ना मैंने करवाना है, क्योंकि मेरे पास वीकेंड पे टाइम कोई नहीं था इसको गाड़ी को साफ़ करवाने के लिए, तो वो हो नहीं सकी थी। चलो अच्छा है, ये ज़रा छोटे छोटे से काम हो जाएंगे, तो फिर जो है ना हम वो गाड़ी वापस लेके आएंगे, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग हो रही थी तो वो हो गई होगी, और ये गाड़ी उनको देंगे, वो गाड़ी हम लेंगे और फिर आ जाएंगे। अब्बा जी ने थोड़ा सा जो है ना काम आसान कर दिया, उसके लिए शुक्रिया, वो जो है ले देंगे, और ये वाली जो है ना उनको दे देंगे और वो वाली उनसे ले लेंगे। गाइस मैं जो है ना अपना काम करके आ रहा था, और ये देखो भाई ये ऑल्टो वाले शहजादे की क्या हरकतें हैं, ऐसे गाड़ी घुमा रहा है, पीक आवर ट्रैफिक है, और बाहर इतनी ज़्यादा जो है ना स्मोक प्लस धुंध हुई हुई है जिसकी कोई हद नहीं। मैं उस टाइम जो है ना फ्लाईओवर के ऊपर था, अब तो आप लोगों को नहीं नज़र आएगा उस तरीके से, मगर दूर से आप लोग फील कर ही सकते हो। अभी 4:15 हुए हैं
और मैं थोड़ा क्लास में जाने से लेट हो गया हूँ, मगर मेरी जो है ना साथ ने अटेंडेंस लगवाई है, मैं अब जाके अपनी क्लास लेता हूँ, क्योंकि बड़ा मसला जो है ना हो जाएगा, क्विज भी है, वो बाबा की वजह से जो है ना मैं लेट हो चुका हूँ। तो अब जो है ना ये देखो भाई, स्मोक कह लो, धुंध कह लो, फॉग कह लो, ये सामने भी आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, ये हालात हैं भाई। तो रात को क्या हालात होने हैं लाहौर के, और सारे यार स्टे सेफ रहें, अभी बस चलते हैं क्लासेस लेते हैं, फिर आपको जो है ना मिलता हूँ। और गाइस बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिवर्सिटी में धुंध हो चुकी हुई है, ये सामने, और यहाँ पे साद और मुश्तबा अपनी लिफंट्री कर रहे हैं, और आपकी भाभी सामने खड़ी हुई है, और इनको देख के जो है ना हंस रहे हैं। क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो, मुझे ये तो बताओ ना, क्या बात क्या हुई है ऐसी, ये देखो नहीं इधर देख के बता नहीं सकते क्या क्या प्रोफेशनल क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ जी, तो भाई यहाँ पे जो है ना इन दोनों का चिप चिपैक चल रहा है, तुम्हारा लीश टाइट से नहीं होगी ज्यादा, नहीं आपने पहनी हुई है ना, आपने पहनी हुई है ना, तो खैर करा लिया बेइज्जती। खैर आप जो मुझे कह रहे थे, आप मुझे बताओ ताकि अंकल आंटी भी ना इस चीज को देख सकें और समझ सकें। उनको पता है नहीं, आप इधर भी बताएं जरा। नहीं आप रहने दो, चेहरे को देख कर तर्स खा ले। किस बात का तर्स खाना है ये भी तो बताओ ना, तर्स किस बात का होना चाहिए। कैमरा बंद, नहीं आप अभी बताओ, अभी बताओ, अभी भाई नहीं बता सकते, नहीं आप बताओ, नहीं बता सकते। आपके व्यूअर्स, आपकी व्यूअर्स में कुछ वो लोग भी हैं जिनको पता है कि मेरी हाँ हो गई हुई है। भाई ये जितनी जो है ना डंगरबाजियां मारते हैं ना, ऊट पटांग बातें करते हैं ना, समझ नहीं आती वैसे। वो बाहर जो है ना अच्छी खासी धुंध हुई हुई है, और मैं बस साद के अपार्टमेंट में था, साद को मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ आ जाओ, जो है इकट्ठे बैठेंगे, कोई गपशप लगाएंगे। तो बस साद का जो है ना वो सामान अपना पैक करने के लिए गया हुआ है, और मैं उसका बाहर वेट कर रहा हूँ, साथ में उसको असिस्ट करने के लिए जो है ना मुश्तबा साहब गया हुआ है। तो 5-10 मिनट तो हो गए हैं मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए, पता नहीं अंदर बैठ ही गए हैं। अल्लाह मैंने कहा था कि यार आ जाओ, क्योंकि धुंध बाहर काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है और रास्ते में काफ़ी धुंध मिलेगी। 7 तो जो है यहीं पे बज गए हैं, तो मुझे जाते जाते मेरे ख्याल से 7:30 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकता कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी स्लो नॉर्मल स्पीड पे हैं, क्योंकि हरकतें नहीं करनी चाहिए। सीधी साफ मैं बात आपको बताऊं, उल्ट पटांग हरकतें धुंध के दिनों में नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, डेंजरस होता। बस आता है घर, चलते हैं, फिर देखते हैं क्या खाना पीना हम लोग करते हैं। रोटी वगैरह खा ली थी, साथ भाई हमारे साथ हैं, एक हमारा और दोस्त आ रहा है, जानी है अपने दिलों का टोटा है, ठीक है ना। तो अभी हम उसको तलाश कर रहे थे, अभी वो न्यूली मैरिड कपल है, कोई 2-3 हफ्ते हुए होंगे उसकी शादी को, और अभी वो बैरियर डाउन में शिफ्ट ही हुआ है। हमने उसको कहा आ जाओ हमें पिक कर लो, हम वैसे ही घरों से वेले निकम्मे तरीन अपनी माँ बाप की औलाद है भाई। उसको कह ये गर्ल्स स्कूल के बाहर पहुंच गया, कहीं पे आपको बिलबोर्ड नजर आ रहा है डिजिटल, ये सामने वाला उधर पहुंच जा, क्योंकि वो है आसपास ही। पूछ गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी है। तो अभी हम जो है ना देख रहे हैं कि भाई कहां पर है कहां पे नहीं है, आप एक पहले देखते हैं आप कहां पर है, आ जाए तो फिर जो है ना मुलाकात हो ही जाएगी आपकी। अभी कहीं प्लान है, मगर बाहर धुंध बड़ी प्यारी है, उसको एंजॉय करने के लिए हम जो है बाहर निकल रहे थे।